नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ की जो नई वैकेंसी निकली है। दोस्तों आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कैसे आपको अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, आप कैसे अपने घर बैठे अपना आपको जो भी फॉर्म होगा दोस्तों वो कैसे आप फिलअप कर सकते हो ऑनलाइन, आपको कैसे आपका फॉर्म अप्लाई करना है, किस डिविजन में करना है, किस जोन में आपको फॉर्म आपका अप्लाई करना है, तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए आरपीएफ रेलवे सुरक्षा दल 4660 जगह की यहाँ पे वैकेंसी निकली है, देख सकते हो आप। यहाँ पे देखिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर 452 वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे, और आरपीएफ कांस्टेबल की 4208 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 4660 यहाँ पे वैकेंसी निकली है, आप देख सकते हो। अगर आप क्वालिफिकेशन की बात की जाए दोस्तों तो देखिए सब इंस्पेक्टर जो एसआई है दोस्तों उसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको आपकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होना चाहिए, और जो आपका कांस्टेबल है आरपीएफ कांस्टेबल आप 10th पास होने चाहिए, और आपकी यहाँ पे आप देख भी सकते हो आपको यहाँ पे एज का भी दिया हुआ है। अगर आप एसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी 20 से 28 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, और कांस्टेबल के लिए कर रहे हो तो 18 से 28 आपकी यहाँ पे एज होनी चाहिए। अगर आपको फी की बात करें दोस्तों तो जनरल ओबीसी एडब्ल्यूएस के यहाँ पे 500 फी है दोस्तों, मतलब चलाने ऑनलाइन। और एससी एसटी की बात की जाए, एक सर्विसमैन ईबीसी और जो फीमेल है उनकी यहाँ पे 250 रुपए यहाँ पे चलन दिया गया है, आप देख सकते हो। ऑनलाइन जो आप अप्लाई करना चाहते हो, लास्ट डेट जो है दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने की वो 14 मई 2024 आप देख सकते हो यहाँ पे, और आपको अप्लाई करना ये 15 तारीख से यहाँ पे अप्लाई स्टार्टिंग चालू हो चुका है, 15 तारीख से फॉर्म अप्लाई करना चालू हो चुके हैं। तो आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अगर आपको भी अप्लाई करना है तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करोगे, देखिए आप यहाँ पे आरआरबी की जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों आप वहाँ पे विजिट कर जाओगे। देखिए थोड़ा यहाँ पे नेट स्लो है इसलिए थोड़ा लोडिंग ले रहा है, देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए अगर आपने टेक्निकल का फॉर्म, टेक्नीशियन का अगर आपने आरआरबी में फॉर्म अप्लाई किया होगा, या फिर आपने एएलपी का, लोको पायलट का, असिस्टेंट लोको पायलट का अगर आपने अप्लाई किया होगा फॉर्म, तो आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करना है। और आपको अगर आपने पहले आरआरबी में अकाउंट आपका क्रिएट किया है, जैसे आपने टेक्नीशियन का फॉर्म भरते समय आपका आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, या फिर एएलपी का फॉर्म भरते समय आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपको ऑलरेडी हैव एन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी आपने फॉर्म भरते समय एंटर की थी वो आपको एंटर कर देना है, और पासवर्ड आपके मेल पर या फिर आपको जो पता होगा पासवर्ड आपका वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आरआरबी में फॉर्म भर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फुल नेम आपका एंटर करना है, देखिए मैं फुल नेम एंटर कर देता हूँ। फुल नेम एंटर करने के बाद आपको रीटाइप फुल नेम एंटर करना है, जो भी मतलब कोई मिस्टेक ना हो इसलिए आपको रीटाइप करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर की टिक लग चुकी है मतलब आपका नेम सही है। फिर आपको यहाँ पे पूछेगा यू हैव अ चेंज यूर नेम, आपने अगर आपका नाम चेंज किया होगा तो आप यस कर सकते हो, या फिर नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी तो आपकी जो भी 10th के बोर्ड सर्टिफिकेट फिर या फिर 10th के पासिंग सर्टिफिकेट पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो देखिए हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एक बार एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रीटाइप डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है, मतलब आपको फिर से वही आपकी सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करनी है। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों, तो देखिए मैं एक बार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर पर क्लिक करना है, आपका जेंडर पूछा जाएगा आपको, तो आपको फीमेल हो गया तो फीमेल कीजिए या फिर मेल कीजिए, तो मैं मेल कर देता हूँ। फिर आपको रीसिलेक्ट जेंडर पर भी आपको सेम जेंडर सिलेक्ट करना है मेल। आपके फादर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, आपके फादर का आपको सिर्फ नाम लिखना है दोस्तों, फुल नेम नहीं लिखना है आपके फादर का, आपको सिर्फ नाम यहाँ पे बता, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे पूछा गया है। फिर आपको रीटाइप पर भी फर्स्ट नेम फादर का लिखना है, देखिए आपको फुल नेम नहीं लिखना है, जैसे देखिए यहाँ पे संजय तो आप इसका जो सरनेम है वो नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है। फिर आपको मदर का भी सिर्फ फर्स्ट नेम लिखना है, तो हम मदर का यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देते हैं। देखिए मदर का फर्स्ट नेम लिखने के बाद दोस्तों आपको रीटाइप मदर पर भी मदर का सेम टू सेम आपको जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया है मदर का नेम वही आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर, आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। जैसे आप आधार कार्ड नंबर एंटर करोगे आपको यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद आपका ऑर्डर, मतलब यहाँ पे ओटीपी की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, कि आपके आधार कार्ड को जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ओटीपी की टीपी की। सिर्फ आपको आपका आधार नंबर आपको एंटर करना है और वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना है। आपके जो भी आधार कार्ड की जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपने यहाँ पे एंटर की है, अगर वो और आधार कार्ड की अगर सेम होगी तो आपकी पूरी आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आधार कार्ड के जैसा आपका पूरा नाम आ जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड पर नाम होगा, तो आपको ऑप्शन भी आएगा आप या जो आपने टाइप किया है वो नाम रखना चाहते हो या फिर आधार कार्ड का नाम रखना चाहते हो, ऐसे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखिए हमारे पास आधार कार्ड का मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे ईमेल आईडी आपको आपकी एंटर करनी है, ईमेल आईडी आपको एंटर कर लेनी है आपकी। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करोगे आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी, सॉरी ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है आपका। अभी देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए मैं दिखाना नहीं चाहता, तो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सेम आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी एंटर कर देना है। फिर आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो, एबीसीडी जो भी आपका नाम मोबाइल नंबर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो पासवर्ड आपको एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिया है यहाँ पे देखिए ये संख्या दी हुई है, आपको ये यहाँ पे एंटर करने की। एंटर करने के बाद आपको प्रीव्यूज एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी आपने फिलअप की होगी वो आ जाएगी, आपको एक बार चेक कर लेनी है और फिर आपको कंफर्म सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म सबमिट पर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन हियर पर क्लिक करना है, आपका अकाउंट यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो देखिए मैं मेरा एक बार अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे देखिए कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको ये पढ़ लेनी है, आप पढ़ सकते हो। आपको बताया मीडियम एग्जाम का जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। आपको क्या करना है यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे आपके सामने जो भी अभी रेलवे की जो भी रिसेंटली जो वैकेंसी निकली है दोस्तों उसकी सबकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। देखिए आरपीएफ की यहाँ पे दी गई है, देखिए आरपीएफ ये जो है दोस्तों ये सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की है, एसआई की है, और यहाँ पे सेंट्रल यहाँ पे नोटिस देखिए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की है। अगर आप एग्जीक्यूटिव में मतलब सब एसआई में आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है, आई एम नॉट करंटली डिस्पैचेबल आरआरबी, इस पर क्लिक करके जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है आपको और नेक्स्ट कर देना है जिसकी भी आप जो भी फॉर्म आप फिलअप करना चाहते हो। तो देखिए दोस्तों हम सिर्फ यहाँ पे कांस्टेबल का फिलअप करेंगे, तो आपको यहाँ पे कांस्टेबल पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप कांस्टेबल पे नेक्स्ट करोगे दोस्तों आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, जो भी अपने आधार मतलब जो भी अपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट इज वेरीफाई विद आधार कार्ड, आपके आधार कार्ड से आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और जो भी आधार कार्ड पर जो भी डिटेल्स है आपकी वो सभी यहाँ पे आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों मेरी यहाँ पे सभी आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन करते समय मैंने जो डिटेल्स एंटर की थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। अभी आपको क्या करना है, मैरिटल स्टेटस पर आपको आपकी शादी हुई, आप अनमैरिड हो या मैरिड हो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो हम अनमैरिड करेंगे, फिर आपको आपका रिलीजन यहाँ पे करना है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख ईसाई जो भी आप हो गए तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको मदर टन आपकी यहाँ पे जो भी मातृभाषा है आपकी जो भी मदर टन लैंग्वेज होगी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर आपकी यहाँ पे नहीं होगी दोस्तों आपकी अगर आपको जो आपकी मदर टन होगी वो यहाँ पे भाषा आपको नहीं दिखती है तो आपको यहाँ पे ऑर्डर पर क्लिक करना है। ऑर्डर पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पेशली ऑफ मदर टंग आपको इस पर क्लिक करना है और आपकी जो भी मदर टन भाषा है दोस्तों वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो देखिए मैं एक बार एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपको चॉइस ऑफ फॉर लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, आप किस एग्जामिनेशन में आपका लैंग्वेज चाहते हो वो आपको एंटर करना है। तो हम यहाँ पे मराठी में करेंगे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो मराठी में ही करेंगे दोस्तों। तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके अगर बॉडी पर कोई तिल होगा या फिर कोई मार्क होगा या फिर कोई मोल होगा वो आपको यहाँ पे जो भी निशान होगा आपकी बॉडी पर वो आपको यहाँ पे एंटर देना है। फिर दोस्तों आपको सेकंड में भी विजिबल मार्क, सेकंड विजिबल मार्क आपको यहाँ पे देना है तो वो भी हम यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे पूछा गया है कम्युनिटी, जो भी आपकी कास्ट होगी जिस कास्ट से आप अप्लाई करना चाहते हो वो कास्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो हम एसटी से अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, तो देखिए आपको यहाँ पे एसटी का आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री आपको पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका सर्टिफिकेट नंबर, जो भी आपका सर्टिफिकेट एससी एसटी का जिस भी कास्ट का आपका सर्टिफिकेट होगा तो आपको उस सर्टिफिकेट के यहाँ पे नंबर जो भी होगा आपका सर्टिफिकेट का वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे इश्यूज अथॉरिटी सिलेक्ट करनी है, जिस भी अथॉरिटी ने आपका यहाँ पे इश्यू किया है आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो देखिए हमारा सब डिविजनल ऑफिसर है दोस्तों। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे इश्यूज स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, किस स्टेट से आपका
यहाँ पे जो कास्ट है दोस्तों वो है, और फिर आपको यहाँ पे इश्यू डेट जो भी आपकी कास्ट की जो भी जिस दिन आपका कास्ट इश्यू हुआ होगा वो डेट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। डू यू विश टू अवॉइड फ्री रेल ट्रैवल पास फॉर द एग्जामिनेशन, तो आपको अगर आपको फ्री में रेल पास का एग्जामिनेशन चाहिए दोस्तों तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो देखिए हम यहाँ पे यस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप यस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नियर बाय रेलवे स्टेशन आपका प्लीज नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो हमारा रेलवे स्टेशन मलकापुर आता है मलकापुर, तो आपको ये देखिए एंटर कर देना है। और आपको यहाँ पे आपकी अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्टेट पूछा गया आपका, एड्रेस आपको पूछा गया आपका, तो एड्रेस आपको जो भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपको एंटर कर देना है। फिर दोस्तों आपको आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो एंटर कर देना है। फिर आपको एड्रेस आपका टाइप करना है जो भी आपका एड्रेस होगा, तो देखिए हमारा एड्रेस मैं टाइप कर देता हूँ। एड्रेस टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे विलेज टाउन जो भी आपका टाउन आएगा जो भी आपका मतलब गांव जिस गांव में जिस शहर में आप रहते हो वो आपको एंटर कर देना है। फिर आपका यहाँ पे पिन कोड एंटर कर देना है आपको। पिन कोड एंटर करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे देखिए टिक द परमानेंट एड्रेस इज सेम, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सेव पर यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप सेव करोगे तो आपको पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे सेव हो जाएगी, आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने का तो आपको सबसे पहले पूछा जाएगा आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप यस कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पे नो कर देना है। नो करने के बाद आपको यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी अगर आप हो, बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपको अगर है दोस्तों तो आप यस कर दीजिए या फिर नो कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, तो आपको यहाँ पे अगर आपके पास ईबीसी सर्टिफिकेट होगा तो आप यस कर दीजिए या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नो कर देना है। तो हमारे पास नहीं है दोस्तों तो हम इसे नो कर देंगे। नो करने का दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जाएगा डिटेल्स फॉर सर्विंग रेलवे रेलवेज एप्लीकेशन एप्लीकेंट, तो अगर आप इंडियन रेलवे के अगर एम्प्लॉय हो तो आप यस कर सकते हो या फिर नो कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आपको कर देना है। फिर आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आर यू कोर्स अप्लाइंग एक्ट अप्रेंटशिप, अगर आपने अप्रेंटशिप किया होगा तो आपको यस कर देना है या फिर नो कर देना है, तो हमने नहीं किया तो नो कर देंगे। अभी आपको यहाँ पे देखिए नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो आपको यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स देनी होगी। बैंक डिटेल्स इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आपकी एग्जाम आप पास कर जाते हो तो आपका जो भी जो फी है दोस्तों आपकी जो चलान है दोस्तों वो आपका रिफंड हो जाएगा आपके अकाउंट में, तो इसलिए आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट देना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर का यहाँ पे नेम आपको एंटर कर देना है। तो फिर आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है। फिर दोस्तों आपको आईएफएससी कोड एंटर करना है आपके बैंक का, आपके पासबुक पर आपके बैंक का आईएफएससी कोड होता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करोगे दोस्तों तो देखिए आपके स्टेट बैंक का यहाँ पे नाम आ जाएगा दोस्तों देखिए, और यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स मलकापुर जो भी आपका बैंक का डिटेल्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। वो एंटर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करोगे आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स होगी दोस्तों वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे दोस्तों आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी आपकी, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टेंथ की मेट्रिकुलेशन SSC जो भी आपके टेंथ है दोस्तों उसकी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट से आपने टेंथ पास की है, तो हम यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, आपकी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा दोस्तों वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है। बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, मतलब देखिए दोस्तों मतलब आपके जो सर्टिफिकेट होगा टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट उस पर डेट ऑफ नीचे डेट ऑफ पासिंग होती है दोस्तों, डेट होती है पासिंग की, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। दोस्तों डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको रोल नंबर एंटर कर देना है आपका। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड पर क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों थोड़ा लोडिंग लेगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे आपको जो भी अगर आपको ट्वेल्थ की देनी है तो आप ट्वेल्थ की भी दे सकते हो, तो हम यहाँ पे टेंथ की हमारे जो भी वैकेंसी दोस्तों वो टेंथ के बेस पर है तो हम टेंथ की देंगे। तो इसके आपको आपको क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक अपने कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी का जो है मेरा वो मैंने अपलोड किया है। नीचे आ जाना है, आपको यहाँ पे पूछा गया अपलोड योर स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर, आपको आपका फोटो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर जो भी होगा दोस्तों वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सैंपल ऑफ
रिजेक्टेबल फोटो पर क्लिक जैसे करेंगे दोस्तों, तो इस टाइप के फोटो जो भी दोस्तों वो अलाउ नहीं होंगे। इस टाइप के आपको फोटो अपलोड यहाँ पे नहीं करना है। आपको फोटो कैसे अपलोड करना है वो मैं बता देता हूँ एक बार। देखिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको वो जा रहा है मैक्सिमम इमेज की जो साइज होनी चाहिए दोस्तों वो 30 KB से 70 KB के बीच में होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी इमेज होगी दोस्तों वो देखिए यहाँ पे आपको 320 पिक्सल चाहिए और 240 पिक्सल यहाँ पे दोनों आपको यहाँ पे होने चाहिए इमेज आपकी। देखिए आपको डिटेल्स भी दी गई है आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जैसे आप इस आपको इमेज अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों मैंने इस तरह से कुछ यहाँ पे फोटो देखिए बैकग्राउंड देखिए व्हाइट बैकग्राउंड में इस तरह से फोटो आपको अपलोड कर देना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा जो फोटो है दोस्तों वो अपलोड हो चुका है। फिर आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे साइज दी गई है 30 KB से 70 KB के बीच, आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। जैसे आप ब्राउज पर क्लिक करोगे देखिए हमारे सिग्नेचर है यहाँ पे, सिग्नेचर देखिए हमारी इस तरह से सिग्नेचर होगी। तो आपको ये सब क्लिक कर देना है और हमारी सिग्नेचर है दोस्तों वो अपलोड हो चुकी है। इस तरह से आप आपके फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे जो भी आपको ये टर्म एंड कंडीशन देना है इसको आपको चेक कर देना है और जिस प्लेस मतलब आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हो वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे प्रीवियस एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों इस तरह से कुछ हमारी एप्लीकेशन है दोस्तों, तो देखिए इस तरह से एप्लीकेशन है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको कोई चेंज करना होगा एप्लीकेशन में, कोई डिटेल्स आपकी, कोई नंबर, कोई आपका एड्रेस यहाँ पे गलत आपने फिल कर दिया तो आपको यहाँ पे एडिट पर क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हो। और फिर आपको एक बार चेक कर लेना है, पूरा चेक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन विल बी नॉट एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। तो आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे दोस्तों तो थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, पूरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब आ जाएगा। आपको इस पेपर नाउ पर क्लिक करना है। दोस्तों जो पेमेंट है दोस्तों वो मैं आपको अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों हमने फॉर्म भरने का मैंने आपको फुल स्टेप बाय स्टेप बता दिया कैसे आप आपका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।